हेलो गाइज, वेलकम टू एडवांपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जेएससी जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन है कमीशन उसके द्वारा जो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई 2023 नाम से एक डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किया गया है उस डॉक्यूमेंट के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आपको ये भी बतलाने जा रहा हूं कि आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि ईओआई में क्या है और ये आपके लिए क्यों है। ठीक है, तो देखिए ये है डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नोटिस तैयार किया गया है और नोटिस को डाला गया है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए एक रूल और रेगुलेशन तैयार करती है, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके उसको देती है, आउटसोर्स करती है एग्जामिनेशन को, और वही जो थर्ड पार्टी कंपनी है वही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, तो उसी चीज को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए डेट क्या है, 17/1/2023। ठीक है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये किसके लिए है, तो थर्ड पार्टी के लिए, बिडिंग के लिए है। ये थर्ड पार्टी बिडिंग करेंगे और वो बतलाएं कि हाँ हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके लिए जानने की कौन सी बात है, जानना आपको ये है कि इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है वो डॉक्यूमेंट का सेल का स्टार्ट डेट क्या है, 19 जनवरी 2023 फ्रॉम 10 AM से इसका सेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सबमिशन कब है, तो 20 फरवरी को है। ठीक है, और ओपनिंग डेट ऑफ ईओआई डॉक्यूमेंट जो मतलब कि जो थर्ड पार्टी का जो बिडिंग हो जाएगा उसका ओपनिंग डेट क्या है, 21 फरवरी 2023 को 11 AM तक है। तो आप लोग बस ये जानिए कि 21 फरवरी तक झारखंड गवर्नमेंट जो है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, वो थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लेगी और उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में और भी क्या है जिसको आप जान सकते हैं या जानना चाहिए, ठीक है, कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वाइट किया गया है इसके लिए इसमें क्या क्या चीज की बिडिंग की गई है, तो ये जो है वो आप यहां पर ये देख सकते हैं। ये एक मिनट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट है, ये देख लीजिए, ओपनिंग डेट ऑफ जो ये है 21 फरवरी को है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल इनपुट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट है जो पेज नंबर 6 जो है इस पीडीएफ का, वो फंक्शनल इनपुट क्या है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्ड एट रांची, अ स्टैचुअरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2008 इज मैंडेटेड टू कंडक्ट सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन एयर। तो जो भी एक साल में एग्जामिनेशन को ये लेना चाहेंगे तो उसी को थर्ड पार्टी को बतला रहे हैं। कौन कौन सा है, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, आपका जेएससी सीजीएल एग्जाम होगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, तो इंटरमीडिएट लेवल का जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है वो होगा, कंबाइंड डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन झारखंड पुलिस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट। और फिर लास्ट है क्या, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करेंगे ये लोग। ठीक है, तो उसके लिए बिडिंग के लिए ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो इससे एक बात ये समझ में आ जाता है कि फरवरी तक इन लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी थर्ड पार्टी है जो कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, उसके बाद फिर जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जामिनेशन डेट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, और 1 से 1.5 महीना मतलब आप समझिए कि मार्च या अप्रैल के समय तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए, तो आप सीधे चल जाइए पेज नंबर 15 में। ये देखिए मैं पेज नंबर 15 में चला जाता हूं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा वो यहां पर बतला दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एज फॉलोस। तो क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एज फॉलोस होगा कि देयर शिल बी ए सिंगल लेयर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स।
एक ही लेयर का एग्जाम होगा जो कंसिस्ट करेगा, एक ही दिन का एग्जाम होगा, सिंगल लेयर ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि एक ही दिन का एग्जाम होगा जो कि तीन पेपर को कंसिस्ट करेगा। कौन कौन सा पेपर है? पेपर वन, नॉर्मली इट विल कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर टेस्ट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश कंप्रेजिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग फोर ऑप्शन इच, नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी 120, दिस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours ऑफ ड्यूरेशन। तो पेपर वन जो पहले था, जो सीजीएल का आप लोग जो फॉर्म भरे थे और जिस सिलेबस का आप लोगों ने प्रिपरेशन किया था सेम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन में थे, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते थे कि क्या रीजनल पेपर को हटा दिया जाएगा, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि रीजनल पेपर को नहीं हटाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो जाता है अफवाहों में और अटकलों में नहीं रहना है। तो पेपर टू ये लिखा हुआ है, दिस पेपर विल बी रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैविंग 4 options फॉर ईच क्वेश्चंस, दिस एग्जामिनेशन विल बी 2 hour ड्यूरेशन। तो सेम जो प्रीवियसली आप लोग जो तैयारी कर रहे थे उसी स्कीमा को लेके आगे बढ़ना है आपको, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। 100 MCQs होंगे, ठीक है, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तीसरा पेपर क्या था कि इन केस ऑफ पोस्टल ऑफ जनरल नेचर, ठीक है, इट विल हैव क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 hours हैविंग 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन केस ऑफ पोस्ट रिक्वायरिंग नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चंस ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट अलोंग विद मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। तो पेपर थर्ड जो था जिसमें कि आपको मैथ, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज पढ़ना था वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं कि फरवरी तक में थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जैसा था उसी तरह से रहेगा, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल यानी कि जेएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल की एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, फिर जो 10th लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं वो सब आप लोग जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लोगों का एग्जामिनेशन मार्च या अप्रैल के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वीडियो का अंत, और वैसे लोग जो कि रीजनल पेपर को लेके कंफ्यूजन में थे आप लोग प्लीज रीजनल पेपर को लेके परेशान ना हो। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ऐड कर दिया गया है, मैंने पहले ही आपको बताया है, हालांकि नियोजन नीति का अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है, वो भी जैसे ही अपलोड होता है मैं आप लोगों को बिल्कुल जो जेन्युइन और जो फैक्ट होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा उसको भी, ठीक है। और जो लोग नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी के लिए एडु अंकुरण चैनल के माध्यम से आपको स्पर्धा पब्लिकेशन की एक नागपुरी की प्रैक्टिस वर्कबुक ओएमआर सीट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक बुक लॉन्च किया गया है, जो आपके नजदीकी बुक स्टॉल में, फ्लिपकार्ट में या स्पर्धा के वेबसाइट में अवेलेबल है। इस बुक को आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप लोग जोर शोर से अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।